चीन से शुरू हुआ जानलेवा कोरोना वायरस विश्व भर में पहुंच चुका है। वर्ल्ड के 100 से अधिक देशों में लोग इससे संक्रमित होकर बीमार पड़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना की दहशत की वजह से लोग खान पान में भी परहेज करना शुरू कर दिए हैं। मुर्गा, अंडा और मटन से लोग दूरी बना रहे हैं। इसके सेवन से परहेज किया जा रहा है। इससे जुड़ी हुई एक अजीबोगरीब घटना बिहार से सामने आई है, जहां फ्री में मुर्गा बांटा जा रहा है। मामला बिहार के अरवल जिले का है, जहां कोरोना के डर से फ्री में मुर्गा बांटा जा रहा है। मुर्गा दान का वीडियो भी तेज़ी से वायरल हुआ है कोरोना के डर से मुर्गे के बाजार को झटका लगा है जहाँ पहले चिकन 100 से 130 रुपये किलो में बिकता था, वहीं अब 20 से 40 रुपये किलो में बिक रहा है। इतना ही नहीं, अरवल में तो फ्री में मुर्गा बांटा जा रहा है, जहां लूटने वालों की भीड़ मची हुई है। कोरोना वायरस के देश में दस्तक देने के बाद मामूली सर्दी और खांसी से पीड़ित लोग भी एहतियात सदर अस्पताल और निजी इंडिया में अब क्लिनिकों में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इसके कारण मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया भर में अब तक 4600 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली और नोएडा में कोरोना के वायरस से लोगों के ग्रस्त होने के कारण बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूर अपने घर को लौटने लगे हैं। वहीं जो लोग होली में घर आए थे, वो इस वायरस का प्रकोप समाप्त होने तक गाँव में